पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे फेशियल वैक्स करवाने से पहले और बाद में जरूर फॉलो करें हमारे ये टिप्स। नहीं होगी जलन और रैशेस की समस्या, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फेशियल वैक्स एक कॉस्मेटिक उपचार है जिसमें चेहरे के अनचाहे बाल हटा दिए जाते हैं। फेशियल वैक्स के लिए गर्म या ठंडे वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फेशियल वैक्स के अलावा ट्वीजर या रेजर की मदद से भी अनचाहे बालों को हटाया जाता है। अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए फेशियल वैक्स एक आसान तरीका है, इसलिए ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनचाहे बाल हटाने की प्रक्रिया स्किन फ्रेंडली नहीं होती है, इसमें स्किन इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसलिए फेशियल वैक्स करवाने से पहले और बाद में कई जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ टिप्स हम आपको बता रहे हैं जो फेशियल वैक्स के दौरान आपके काम आएंगे। फेशियल वैक्स से पहले इन टिप्स को फॉलो करें। वैक्स करने से पहले त्वचा को अच्छी तरह से साफ कर लें, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वैक्सिंग के परिणाम बेहतर होंगे। रूखी त्वचा पर वैक्स न करवाएं, इससे त्वचा में रशेस हो सकते हैं। वैक्सिंग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए त्वचा पर पहले एलोवेरा जेल लगाएं और त्वचा को हाइड्रेट रखें। फेशियल वैक्स कराने से पहले त्वचा को एक्सफोलिएट करें, इससे डेड स्किन सेल्स निकलते हैं और इन ग्रोन हेयर्स की समस्या नहीं होती है। अगर आप हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो पहले बालों को ट्रिम कर लें। अगर अनचाहे बाल की ग्रोथ बहुत कम होती है तो भी वैक्सिंग में परेशानी आएगी और ज्यादा तकलीफ होगी तो भी वैक्सिंग में परेशानी आ सकती है। वैक्सिंग से पहले यूवी रेज से बचें। यूवी रेज के कारण त्वचा में टैनिंग हो जाती है और रैशेस या जलन की समस्या भी हो सकती है। वैक्सिंग से ठीक पहले बाद में सन एक्सपोजर से भी बचना चाहिए। फेशियल वैक्स के बाद इन टिप्स का फॉलो करें। फेशियल वैक्स करने के बाद चेहरे पर आइस पैक लगाएं, इससे त्वचा को आराम मिलता है। वैक्स के बाद चेहरे के उस हिस्से को छूने से बचें जहां वैक्स किया गया हो, इससे इन्फेक्शन का डर रहता है। फेशियल वैक्स के बाद चेहरे पर तुरंत मेकअप या अन्य कोई केमिकल युक्त उत्पाद ना लगाएं, इससे त्वचा में जलन हो सकती है। फेशियल वैक्स के बाद चेहरे पर गर्म पानी डालने से बचें, गर्म शॉवर भी नहीं लेना चाहिए। फेशियल वैक्स के बाद पसीना आने की समस्या से बचना चाहिए, पसीना आने से स्किन में इन्फेक्शन की समस्या बढ़ सकती है। वैक्सिंग के तुरंत बाद शेव करने से बचें, इससे जलन या सूजन की समस्या हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।